विधायक के पोते द्वारा किए गए कृत्य के बाद में पुलिस की टीम उसे ढूंढने में लगी है, जबकि वह लगातार फरार चल रहा है। बता दें कि विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव के ऊपर एक युवती ने आक्षेप लगाए हैं कि वह उसे परेशान करता है, साथ ही उसके घर में आकर उसके माता पिता की हत्या करने के लिए तलवार लेकर मारने की भी कोशिश की। इस पूरे मामले को सीसीटीवी में कैद कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ युवक के परिजन लगातार सोशल मीडिया पर युवती के फोटो एवं लेटर प्रेषित कर रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि युवती पहले युवक के प्रेम संबंध में थी, लेकिन अब किसी कारण से वह दूर हो गई है, जिसके कारण ये पूरा वाक्य घटित हुआ। वहीं इसको लेकर आज विधायक गोपीलाल जाटव एवं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हरि सिंह यादव पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा से मुलाकात करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने ये सारी घटनाएं पुलिस अधीक्षक को बताई। हालांकि इस बारे में विधायक गोपीलाल जाटव ने कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं जब हमारी बात पुलिस अधीक्षक से हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में युवक के ऊपर धारा 354 में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया गया है एवं युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। जब पुलिस अधीक्षक से ये पूछा गया कि युवती पहले प्रेम संघ में थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है और इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवती पहले भले ही प्रेम प्रसंग में हो, लेकिन अब वह उससे दूर रहना चाहती है, तो इस पर युवक द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। जो लड़की के साथ मारपीट और उसके परिजन के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी, उसमें क्या कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा की गई और किन मामला धारों मामले पंजीबद्ध किए गए? एक लड़की द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके अंदर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के संबंध में जो है वो शिकायत का मजमून था। उसी के आधार पर पुलिस ने जो है वो एक मुकदमा पंजीबद्ध किया है। 354D, 294, 506 धारा अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें कुछ वीडियो वगैरह भी आया था सामने, तो उसको भी जब्त करके और इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। हमारी कार्यवाही जारी है और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द मामले का निराकरण करके उसमें जान पुटअप करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में कुछ जांच की जाए, आज जो है वो विधायक जो है गुना, उनकी तरफ से एक आवेदन पत्र भी दिया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया है कि उनका पहले से कोई पत्र वत्र भी दिए एक दूसरे को उन्होंने, तो उसी संबंध में उन्होंने आवेदन दिया हुआ है, तो उसकी भी जाँच के लिए बता दिया गया।